अपने मेकअप के लिए फ्रांस के राष्ट्रपति ने खोली तिजोरी। हैंडसम बनने के लिए 3 महीने में ही लुटा दिए 20 लाख रुपए। लगता है फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन अपने लुक का कुछ ज्यादा ही ख्याल रखते हैं। वैसे भी अगर कोई भी अपने मेकअप पर लाखों रुपए खर्च करता है तो उसमें किसी को कोई एतराज नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा कर फ्रांस के राष्ट्रपति विवादों में घिर गए हैं। ली पॉइंट नाम की मैगजीन में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक मैक्रॉन ने महज 3 महीनों के कार्यकाल के दौरान अपने मेकअप पर करीब 26,000 यूरो यानी लगभग 20 लाख रुपए खर्च कर डाले हैं। इस खुलासे को मैक्रॉन के ऑफिस ने भी स्वीकार किया है। लेख के मुताबिक मैक्रॉन ने मई से जुलाई के बीच नताशा एम नाम की पर्सनल मेकअप आर्टिस्ट को करीब 26,000 यूरो का बिल पेमेंट किया। ये पेमेंट 2 बार में की गई, पहले 10,000 और फिर दूसरी बार 16,000 यूरो दिए गए। बताया जा रहा है कि इस मेकअप आर्टिस्ट ने मैक्रॉन को पब्लिक प्रोग्राम में जाने से पहले उन्हें तैयार किया था। हालांकि ऐसा करने वाले मैक्रॉन पहले राष्ट्रपति नहीं हैं। इससे पहले पिछले राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद भी इस विवाद में घिर चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ओलांद ने भी अपने मेकअप पर 30,000 यूरो खर्च किए थे। ओलांद ने अपने बाल कटाने के लिए एक नाई रखा था जिसे हर महीने करीबन 9,895 यूरो दिए जाते थे। पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी भी हर महीने करीब 8,000 यूरो अपने मेकअप पर खर्च करते थे। इस खबर के सामने आते ही इमैनुएल मैक्रॉन की आलोचना भी शुरू हो गई है। सोशल मीडिया पर इसको लेकर उनकी खूब खिंचाई हो रही है। हालांकि अच्छी बात ये है कि मैक्रॉन के मेकअप पर हुआ खर्च ओलांद के खर्च से कम है। इंडिया न्यूज़ बारेल की रिपोर्ट।